वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली के श्रीराम गार्डन में लोक दल पार्टी के भाईचारा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। आरएलजी के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जाट, गुर्जर, मुस्लिम, सैन्य समाज के सैकड़ों लोग मौजूद दिखे। अभिषेक चौधरी ने इस दौरान ऐलान किया कि लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ेगी, यानी कि आरएलजी और सपा एक साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ेगी। अभिषेक चौधरी की तरफ से इस सम्मेलन में ये बात कही गई। भाईचारा सम्मेलन जिसमें एसपी और आरएलजी के एक साथ आने की बात कही गई, इस सम्मेलन में जबरदस्त भीड़ भी उमड़ी नजर आई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।